नमस्कार दोस्तों, आज हम पिपली के बारे में जानकारी लेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पिपली हमारे रसोई घर की कड़ी में एक उत्पाद है। देखिए कितना इसका पिपली का आकार कैसा होता है, शहतूत की तरह। अब इसके हम परिचय के बारे में जानकारी ले रहे हैं, आगे चलते हैं। आज हम पिपली के अद्भुत फायदे के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट, आयुर्वेद में न जाने कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके उपयोग से शरीर में बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। इन्हीं जड़ी बूटियों में एक ऐसी जड़ी बूटी है पिपली, जिसका प्रयोग चूर्ण के फायदों के बारे में जाना जाता है। इसका सेवन अगर उचित मात्रा में किया जाए तो इस सेहत को अनेक तरीकों से फायदा पहुंचा सकती है। वहीं इसकी आधुनिकता अधिकता कई नुकसानों का सामना भी करा सकती है। आज का हमारा लेख पिपली के फायदे और नुकसान पर ही रहेगा और इसके परिचय हम नेक्स्ट पेज पर बताने जा रहे हैं। पिपली में जो पाया जाने वाला एक रासायनिक पाइपरलोयूमाइन पीपल कैंसर को रोकता है और एक ट्यूमर एंजाइम की वृद्धि को रोकने में उपयोगी होता है। आप देख रहे हैं कैंसर कारक भी है। इसके जो फायदे हैं, खांसी और बुखार में पिपली का भी प्रयोग लाभदायक माना गया है। बच्चों को जैसे खांसी या बुखार होने पर पिपली को घिसकर इसमें लगभग 125 मिलीग्राम शहद या मधु, जिसका नाम है, उसको मिलाकर चटाते हैं तो इससे बच्चों के बुखार, खांसी, तिल्ली वृद्धि आदि समस्याओं में विशेष लाभ होता है। हमारे घरों में माताएं बच्चों को पिपली घिस करके शहद में चटाती हैं, ऐसा मैंने देखा है। बाकी लोगों को जानकारी होगी, हम इसकी जानकारी छोटी सी दे रहे हैं ताकि लोगों को ज्ञान भी हो जाए जो अज्ञान है। हमारे रसोई घरों में सभी के यहाँ पिपली अवश्य होती है, क्योंकि मसाला की कैटेगरी में आती है। पिपली के अन्य हम 5-6 फायदे के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देने वाले हैं। सिर के दर्द में राहत पहुंचाते हैं, अस्थमा को कम करने में मदद करते हैं, जुकाम से छुटकारा दिलाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। दिल की सेहत के लिए अच्छी रहती है, जिससे दिल में हार्ट अटैक नहीं होता है, लोग अचानक हार्ट अटैक में जान गंवा देते हैं, और मोटापे को भी कम करता है। आगे हम चल रहे हैं इसके फायदे के बारे में। जब छोटे छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, ऐसे में आप पिपली को घिस कर शहद के साथ सेवन करें और दांत आराम से निकलते हैं। और जो महिलाएं मासिक धर्म कम होने की वजह से परेशान होती हैं, उन्हें पिपली की जड़ से बना काढ़ा आपकी समस्या को दूर करने में बेहद मददगार होता है। पर इसको आप डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन कर सकते हैं, बगैर डॉक्टर की सलाह के आप सेवन मत करें, नुकसान भी हो सकता है। अगर पिपली
पाउडर का सेवन शहद के साथ किया जाए तो खांसी, मलेरिया, सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। अब देखिए किसके इसके इतने अद्भुत फायदे हैं। जो वृद्धावस्था में होने वाले हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठियों में दर्द भी पीपली बेहद मददगार करती है। इसमें मेन कैंसर के लिए भी जो आपने मैंने भी बताया, ये एक ट्यूमर एंजाइम की वृद्धि को रोकने में उपयोगी होता है। ये बहुत अद्भुत फायदा है। आजकल इस भयावह बीमारियों की जंग में कैंसर फैलता जा रहा लोगों में, पेस्टिसाइड दवाओं का जो फसलों में छिड़काव होता है उससे कैंसर अधिक बन रहे हैं, जिसको हमको आयुर्वेद के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। और हम आगे चल रहे हैं, पिपली के फ़ायदे भी हमने बताए यहाँ तक, और थोड़े बहुत फायदे हैं, ज़्यादा नहीं। हमने अपनी पीपीटी में हल्के हल्के कुछ फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि छोटी पीपीटी में कितना बताया जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसमें आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे हम अगले पेज में चलते हैं। पिपली को लॉन्ग पेपर इंग्लिश में बोलते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये देखिए, क्योंकि नुकसान भी ज़रूरी हैं, फायदे तो हमने बता दिए। इस तीखे मसाले की बहुत अधिक सेवन से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होता है, हार्ट फेल होता है, हाथों पैरों और आँखों में तेज जलन होती है, गर्मी महसूस भी होती है। तो आप इसका उपयोग किसी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर के परामर्श व सलाह के अनुसार ही कर सकते हैं, अन्यथा सही प्रकार से सेवन न करने से या मात्रा अधिक होने से हानि भी हो सकती है, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका प्रयोग करें। हम तो बस जानकारी दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ताकि हर समाज में आयुर्वेद का खजाना का जागरूकता अभियान में शामिल किया जाए। तो आपने देखा इसके क्या क्या लाभ हैं। मेन कैंसर को रोकने के लिए मेन इसका अद्भुत लाभ बताया जा रहा है। बाकी तो सर्दी जुकाम में सभी को पता है कि घर में किस प्रकार से इसका बच्चों में प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटा सा घिस के उसमें शहद मिला के चटा दिया जाता है, खारदी सर्दी जुकाम सब चम हो जाते हैं। तो आपने देखे इसके फायदे और नुकसान। तो आप नुकसान के भी विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन को स्वस्थ समृद्ध बनाएं। आने वाली आगे और वीडियो हम इसी तरह बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और इस बात का ध्यान रखें कि इसके प्रयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें, अन्यथा हानि हो सकती है। आप देख लिए ये सारे मैंने नुकसान भी बता दिए और इधर लाभ भी बता दिए, आपने देखा है सब। तो ये रहा पीपली का खजाना। देखिए कितना सुंदर सा सूखी सूखी सी पीपली है। तो हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। आप
इसकी अधिक जानकारी के लिए किसी आयुर्वेद की पुस्तक या इंटरनेट पर जाकर इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर से बैठ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।